हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर कॉर्न आलू टिक्की। तो मैंने यहाँ पर एक भुट्टा लिया है, इसको मैं इसका छिलका निकाल देती हूँ। इसके दाने बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये देखिए मैंने छिलका निकाल करके इसके दाने निकाल दिए और इसको अच्छे से वॉश करके बॉयल कर लेती हूँ। तो बॉयल करने के लिए मैंने थोड़ा पानी और नमक डाल करके इसको बॉयल कर लिया है। और इधर मैंने 3 बॉयल्ड आलू लिए हैं, उनको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने आलूओं को मैश कर लिया और उधर मेरे कॉर्न बॉयल हो चुके हैं, तो मैं कॉर्न को इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके दाने बहुत ही सॉफ्ट हैं। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर डालूँगी और 2 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड करूँगी। और 1 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च काट करके डाली है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। धनिया पत्ती डाली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ऑरिगेनो और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाला है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने उन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हथेलियों पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके हम इसके छोटी छोटी टिक्कियां बना लेते हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गोल शेप में टिक्कियों को बना लिया है और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें 1-1 टिक्की डाल करके इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। तो ये देखिए हमारी कॉर्न आलू की टिक्की अच्छे से सिक चुकी है, उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको आप बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप जब मन करे आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं।